नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांच की आंच। आज बात हम करने वाले हैं भीषण गर्मी और साथ ही साथ पेयजल के जल संकट की। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की थर्ड डिग्री लोगों को टॉर्चर कर रही है। नौ तपा लगातार चल रहा है और नौ तपे का अभी तो तीसरा दिन ही है। भीषण गर्मी से कई शहरों में रिकॉर्ड लगातार टूटता जा रहा है, पारा लगातार उछलता जा रहा है। भोपाल, इंदौर समेत 46 जिलों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जहां पर पारा जो है 46 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। 46 डिग्री यहां पर टेम्परेचर दर्ज किया गया। प्रदेश के कई जिले तो ऐसे हो गए, यहां पर पारा 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है। आसमान से आग बरस रही है, आग, और अब ये जानलेवा भी हो चली है। आम लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हो रही है। पानी के लिए लोग जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गहरे कुएं से पानी का इंतजाम किया जा रहा है, तो शिवपुरी में पानी के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। खंडवा में तो पानी की मांग को लेकर एक साहब टावर पर ही चढ़ गए, ये माननीय है नेताजी हैं। कुल मिलाकर गर्मी की मार और पानी के संकट से लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। हर दिन पानी के लिए जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मुरैना की, शिवपुरी की, भोपाल की, खंडवा की और दमोह की तस्वीरें। पानी के लिए जद्दोजहद के साथ गर्मी की परेशानी अलग है। तो मध्य प्रदेश समेत देश भर में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में तो तीन दिनों का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। एक तरफ गर्मी है और दूसरी तरफ पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिसके कारण लोग खासे परेशान हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, तो लोग टावर पर भी चढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कहीं पानी के लिए लोग जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, तो कहीं भीषण गर्मी में कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हुए जा रहे हैं। पारा 47 के पार, हीट वेव का बाद गर्मी का कोहराम, पानी के लिए संग्राम। एक नल है वो भी चालू नहीं है, और एक कुआं है वो भी पानी नहीं है, थोड़ा है, लोटा से भरते हैं सब लोग, वो भी पूरा नहीं पूछता है। पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी मिल रहा है। पानी के लिए धरना और टावर चढ़ाई। तापमान इतना कि तल गई पूरी। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि लोग कितने हैरान परेशान हो रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है, सूर्य देवता जो हैं, वो अपने प्रचंड तेवर लगातार दिखा रहे हैं। और अलग अलग जिलों की स्थिति हम बता देते हैं आपको कि कहां कितना टेम्परेचर है, कहां कितना तापमान दर्ज किया गया। जिलेवार आपको बताते हैं मौसम विभाग क्या कुछ बता रहा है। राजगढ़ की तस्वीर देखिए, राजगढ़ में 46.8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, तो शाहजहांपुर में 46.6 डिग्री, यानी कि 47 के आसपास ये झूल रहा है। निवाड़ी की बात करें तो निवाड़ी में भी 46.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। सागर की बात करें तो यह भी 46 है। और खजुराहो जो कि जाना जाता है यहां के खूबसूरत मंदिरों के लिए, सुंदर सुंदर यहां प्रतिमाएं हैं, लेकिन खजुराहो 46 डिग्री का टॉर्चर यहां के लोग झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा गर्मी की अगर बात की जाए तो राजगढ़ 46.8 डिग्री यहां पर टेम्परेचर दर्ज किया गया है। यह अलग अलग जिलों की, कहां कितना तापमान है, अलग अलग जिलों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि क्या टेम्परेचर है। इंदौर की बात कर लेते हैं, इंदौर मिनी मुंबई या आर्थिक राजधानी 43.3 यानी 44 के आसपास यहां पर भी हो गया टेम्परेचर। ग्वालियर की बात करें 45.6 डिग्री सेल्सियस यहां पर। जबलपुर की बात करें, संस्कारधानी है, 43.4 डिग्री यहां पर हुआ।
टीकमगढ़ की बात करें तो 45 डिग्री टीकमगढ़ भी पार कर गया है और टीकमगढ़ के लोग झुलस रहे गर्मी में, आग बरस रही है आग यहां पर। राजधानी की बात करें तो राजधानी में 45.4 यानी कि राजधानी में भी रिकॉर्ड टूट रहा है और लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस गर्मी से निजात आखिर कब मिलेगी, कब उनको राहत महसूस होने वाली है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर जो है वो अपने तेवर दिखा रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस गर्मी में अगर पानी ना मिले तो फिर क्या होता है, गर्मी का कहर क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। आप तस्वीर को देखिएगा, तस्वीर श्योपुर की है जहां पर तापमान बेहद ज्यादा है। आप खुद इसका अंदाजा लगाइए कि तापमान कैसा है, क्या हो रहा है। देखिए यहां पर पूड़ी को तला जा रहा है, जी हां पूड़ी बनाई जा रही है, लेकिन यहां तो नीचे चूल्हा है ही नहीं। दरअसल महिला ने धूप में कढ़ाई को रखा और उसके बाद कढ़ाई जब गर्म हो गई तो उसमें पूरियां महिला ने तल दी। अब आप इस तस्वीर को देखकर सोच लीजिए, समझ लीजिए, एहसास कर लीजिए कि यहां तापमान कितना हाई है। कढ़ाई में पूरी तलने के लिए गैस पर गर्म करना पड़ता है उसे और तब जाकर पूरियां बनती है, लेकिन यहां तो पारा इतना पहुंच गया कि धूप में कढ़ाई रख लीजिए और पूरियां तल लीजिए। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। कोई रेगिस्तान में पापड़ सेंक दे रहा है तो कोई इतनी गर्मी है कि पूरियां तल दे रहा है। और चलिए बात करेंगे मुरैना की, जहां पर भीषण गर्मी का कहर है। मुरैना भी कुछ ऐसा ही है। नौ तपे का तीसरा दिन अभी है और नौ तपा में नौ दिन पूरे तपते हैं तो तीसरे दिन गर्मी का प्रचंड रूप यहां पर दिखाई दिया। बताया ये जा रहा है कि आसमान से बरसने वाली आग से एक शख्स की मौत हो गई। बताया यह भी गया कि बुजुर्ग का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह 10 बजे यहां पर पारा 41 डिग्री को छू गया था जो दोपहर बाद तक 46 डिग्री पर पहुंच गया। तो यह तो जो दर्ज किया गया उसकी तस्वीर है, लोग खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इधर गर्मी के साथ साथ पेयजल संकट भी गहरा गया है, पानी के लिए लोग खासे परेशान हैं और दूर दूर तक सफर करने के लिए मजबूर है, कुएं तक में पानी नहीं बचा और ऐसे में लोग बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, बूंद बूंद पानी को इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। और हर दिन की शुरुआत ऐसे ही तपती गर्मी में सुबह होते ही सबसे पहली जरूरत पानी, और इस पानी के लिए लोगों का संघर्ष शुरू हो जा रहा है। कहीं जिंदगी को दांव पर लगाकर पानी का इंतजाम किया जा रहा है तो कहीं प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में गर्मी का भीषण कहर शुरू हो चुका है। पारा 46 डिग्री को पार कर गया है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। एक तरफ गर्मी की मार है तो दूसरी तरफ जल संकट, पेयजल के लिए लोग परेशान हैं। दमोह से पानी के लिए जद्दोजहद करने की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पानी के लिए लोग जान तक को जोखिम में डालने को मजबूर हैं। हटा ब्लॉक के करकोई गांव में लोग पानी के लिए हर जान को जोखिम में डाल रहे हैं। 100 फीट गहरे कुएं से लोग बूंद बूंद पानी जुटा रहे हैं। किस तरह कुएं से पानी जुटाया जा रहा है, मुश्किल से पानी थोड़ा सा है और वो भी गंदा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना गंदा पानी है। इस भीषण गर्मी में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। करकोई गाँव एक नल है, वो भी चालू नहीं है और एक कुआ है, वो भी पानी नहीं है, थोड़ा है, लोटा से भरते हैं सब लोग, वो भी पूरा नहीं पूछता है पानी। इस कुएं पे कम से कम 40 परिवार है। तो पानी पीने तक को पानी नहीं मिला, गंदा पानी मिला है और एक कुआ है, नल है नहीं, नल सब बिगड़े हैं। एक कुआ है वो भी पानी उसमें नहीं आता, पेड़ के घुस के दो आदमी पानी निकालते हैं उससे। पानी नहीं मिला, जो हैडपम्प है नहीं है, अब बता हम पानी भर के का करें, लूच लूच के पानी भर रहे लोटों से, दो आदमी अंदर घुसा, अब जे पर ही लेवा दे, बता हमारे का करें, कैसे हमारे बाल बच्चे पाले। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दतिया से सामने आए, जहां कभी नल से पीला पानी तो कभी काला पानी आ रहा है। इतना ही नहीं, नगर पालिका के फिल्टर प्लांट में कबूतर मरे पड़े हैं और उसी टैंक का पानी लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। यहां राम भरोसे छोड़ा हुआ है फिल्टर,
एलम ब्लीचिंग डल रहा है नहीं डल रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। कितनी मात्रा में डलना है कोई जानकारी नहीं, पानी की टेस्टिंग कब होना है कोई जानकारी नहीं, सारा सीधा जो पानी डायरेक्ट आ रहा है उसको सीधा सप्लाई किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नगरपालिका की ओर से सप्लाई किए जा रहे पानी में क्लोरीन मिलाया जा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी भी किसी के पास नहीं है। उधर जिम्मेदार सवालों से बचते हुए नजर आए। टंकी के पूरे सप्लाई क्षेत्र में तो नहीं रहता वो गंदा पानी, किसी स्पेसिफिक जगह पर रहता। उसमें क्या समस्या आ जाती है कि नाली रहती है, नाली में पाइपलाइन है, पाइपलाइन में थोड़ा बहुत कहीं लीकेज हुआ तो दिन भर का पानी भरता उसमें, और भरने के बाद वो पानी इकट्ठा हो गए, पहले गंदा पानी आएगा उसके बाद फिर साफ पानी आने लगता। जैसी शिकायत मिलती है इन सब चीजों की तो हम अपने कर्मचारी भेज के करवा देते हैं। एक तरफ तापमान बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पेयजल संकट, गर्मी और पेयजल संकट की मार लोगों पर पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पानी की स्थिति क्या है, जद्दोजहद कैसी लोगों को करना पड़ रही है, ये तस्वीरों में आपने देखा। लेकिन पानी के लिए धरना प्रदर्शन तक शुरू हो चुका है। शिवपुरी में पानी के लिए दबंगों से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया, तो खंडवा में पानी के लिए लोग टावर पर चढ़ गए। ग्वालियर में भी पानी के लिए लोग परेशान हैं, यहां कई घरों में ताले लटके हुए हैं। बताया जा रहा है कि पानी नहीं होने की वजह से लोग दूसरी जगह चले गए, और संकट इतना है कि लोगों ने, चूंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो रिश्तेदार आते जाते हैं, लेकिन यहां के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को आने से मना कर दिया है। पानी नहीं है, आना मत। गर्मी में पेयजल संकट से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लोगों को प्यास बुझाने तक के लिए पानी नसीब नहीं हो पा रहा। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। ग्वालियर में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, जहां कई घरों के दरवाजों पर ताले लटके हुए दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि यहां एयरपोर्ट है, शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन पानी का संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में स्मार्ट सिटी किस काम की? स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि आए दिन यहाँ टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, प्राइवेट टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, सरकारी टैंकर कभी कोई वही नहीं है। पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी चल रही है, और पानी नहीं है पीवे को, नहावे को परेशान है, और सबसे मना कर दिया है रिश्तेदार ने से कि यहाँ मत आओ। यहाँ पानी की इतनी समस्या है भैया कि यहाँ लोग अपने घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो सभी बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो यहाँ पे परिवार घर छोड़ के चले गए हैं पानी की दिक्कत की वजह से। हाल ये कि लोगों ने जल संकट के चलते अपने रिश्तेदारों को आने तक से मना कर दिया है। पानी के लिए शिवपुरी में लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बोरवेल पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण लोग पानी के लिए परेशान हैं। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप है। क्या मामला है इधर का? क्या है, पानी नहीं आ रहा सर, और ये काफी दिनों से समस्या चली आ रही है। जब से नए पार्षद चुने गए हैं ना, इनकी आपसी लड़ाई में हम लोग परेशान हैं। पानी की समस्या आ रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और ये बोर है मेले ग्राउंड का, ये सिर्फ मेले वालों के लिए चालू कराया गया। अच्छा अच्छा, इसकी सप्लाई हमको नहीं दी जा रही है। अब खंडवा की तस्वीर भी देख लीजिए, जहाँ पानी के लिए कांग्रेस नेता टावर पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि बीते 8 दिनों से शहर में लोग बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। नर्मदा जल परियोजना की पाइपलाइन 7 दिन में 4 बार फूट चुकी। निगम और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वे कर रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में गर्मी के साथ साथ पेयजल संकट भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भीषण गर्मी की मार के साथ लोग पानी की समस्या से भी दो चार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ग्वालियर की आपने तस्वीर देख ली, कह रहे हैं कि रिश्तेदारों के आना मत, हमारे यहाँ पानी नहीं है, बल्कि आपके यहाँ पानी हो तो हम चले जाते हैं, ये स्थिति है। और ये स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है। सुशील हमारे ग्वालियर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। सुशील, बहुत बुरी स्थिति है ग्वालियर चंबल अंचल में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसी के मुकाबले पानी का संकट इतना ज़्यादा कि लोग कह रहे हैं कि हमारे घर मत आना।
बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के आउटर एरिया में आदित्यपुरम, गोकुलधाम सहित तमाम कॉलोनियां हैं, वहां जल संकट के हालात इतने भयावह होने लगे हैं कि 8-8 दिन में यहां नगर निगम का 1-8 टैंकर पहुंचता है। स्थिति यह है कि इस आप देख सकते हैं कि गोकुलधाम और कृष्णानगर सहित अन्य इलाके हैं, यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं पानी के चलते। आप देखिए ये ताला लगा हुआ है, इसके अलावा ये जो एक और मकान है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ताला लगाकर लोग जा चुके हैं। इसी गली में अगर देखें तो 4-5 मकान और है जहाँ लोग जल संकट के चलते यहाँ से जा चुके हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। बहन जी किस तरह की स्थिति है संकट की बताइए। पानी की परेशानी है और क्या है। ये लोग कहाँ चले गए? गांव, पानी नहीं है तो क्यों ताला लगा के चले? हाँ। क्या स्थिति हो रही है पानी की? पानी नहीं है तो गाँव जाएंगे क्या करें? जल संकट बहुत है, देखिए लगातार जल संकट है। जल संकट के चलते और भी आपको नजारा दिखाएंगे कि क्या स्थितियां बन रही है। सुशील देखिए तो नए घर बने हुए लग रहे हैं इसका। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जब कोई घर अपना बनाता है, आशियाना सजाता है तो कई सपने होते हैं, लेकिन उसमें इतना बड़ा सपना चकनाचूर हो जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता कि अपना घर बनाया लेकिन यहाँ पर रहने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है पानी वही नहीं मिल रहा है। ये देखिए ये मकान आपको दिखाना चाहेंगे कि आलीशान मकान है, ये एक तरह से बंगला है, लेकिन दिक्कत यही है कि पानी के संकट के चलते यहाँ जो मकान मालिक है वो अपने गांव जा चुके हैं। पड़ोसी है, इनसे पूछते भाई साहब क्या स्थिति है जल संकट को लेकर और ताले क्यों लगे हुए आप बताइए। नहीं ये समस्या यही जल संकट की वजह से ही संकट है, लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं इसलिए कि अपने रिश्तेदारों के या घर में जहाँ भी जगह है उनको जा चुके हैं, और जब कभी आ जाते हैं अपने घर परिवार देखने के लिए कि घर हमारा ठीक ठाक है, पर पानी के संकट बहुत ज्यादा है, मेहमानों बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं मेहमानों को तो बना कर रखा है, ऑलरेडी बता रखा है उन लोगों को। जल संकट के अलावा लाइट की भी समस्या थोड़ी बनी ही रहती है, लेकिन जल संकट सबसे बड़ा कारण है कि नहाने धोने के लिए पानी नहीं मिल पाता है और लोग बच्चे ऐसे ही तो मामा के घर से कहा जा रहा है कि बेटा हमारे घर मत आना, मामा के घर जाने की बड़ी बच्चों की हसरत रहती है गर्मियों के दिनों में, लेकिन यहाँ तो स्थिति बहुत बुरी है। अशोक हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, सीधे दतिया चलते हैं, वहां पर हालात क्या है क्योंकि भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से लोग खासे परेशान है। अशोक से समझते हैं स्थिति क्या है, लोग कितने परेशान है, उनको राहत देने का कुछ काम हो पा रहा है क्या? अशोक यहाँ पे बहुत ही भयावह हालात है, यहाँ पे टेम्परेचर 47 डिग्री ऊपर चल रहा है और नलों की स्थिति ये है कि 3-4 और कभी 5 दिन में यहाँ पे पानी आ रहा है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, हैंडपंपों पर जा रहे हैं। हैंडपंपों की स्थिति ये है कि यहाँ पे वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है तो कई हैंडपंपों ने साथ छोड़ दिया है और पानी जो नगर पालिका की बात है वो तो देने में तो अक्षम है ही पानी, लेकिन इसके अलावा जो पानी दे रही है बहुत गंदा है, उसमें मरे हुए पक्षी मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आइए उनसे पूछते हैं। कुछ पार्षद भी हैं जिन्होंने आंखों देखा हाल यहाँ पर देखा था फिल्टर पर कि क्या स्थिति है यहाँ पे लोग हैं, आप बताइए क्या बहुत गंदा पानी आ रहा साहब, बिल्कुल पीला पानी आ रहा पीने पीने नल कितने दिन में आ रहा है? नल 4 दिन में आ रहा है, वो भी लाइट चली जाती है, नल आते तो लाइट जाती, पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल परेशान है साहब गर्मी के मारे। देखा आपने कि लोग किस तरीके से परेशान है, गंदा पानी आ रहा, पीला पानी आ रहा है और जो सफाई जहां पर पानी की होती है वहीं पर पक्षी भी गर्मी की वजह से मरे हुए उसमें पड़े हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका दतिया से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे अशोक। एक तरफ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं तो दूसरी तरफ पानी की बर्बादी भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें दिखाते खंडवा की, नर्मदा की पाइपलाइन फूट गई, बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद होता चला गया। बताया जा रहा है कि यह कोई पहली बार नहीं जब इस तरह से पाइपलाइन फूटी हो, पहले भी कई दफा नर्मदा की पाइपलाइन फूटी और लाखों लीटर पानी की बर्बादी हो गई। 7 दिन में यह चौथी बार है नर्मदा की पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी बह गया। और इसी के साथ 5 की आंच में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।